कुछ टाइम पहली कश्मीर माते एक फिल्म आई थी, जने मैं कोई पूरी फिल्म मारे देखनो काम नहीं पड़ियो, पर उनकी जो विवरण है वो मैं पढ़ियो अखबार में। तण मैं जानियो भाई कोई कदी वहां घटना घटी, कितना ही बरस हो गया भाई, देखो घटी जोला, क्योंकि उन घटना में जो दुख पायोड़ा लोग है वे मने ही दो चार मिलिया और कई प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण मौजूद भी है। पर मैं जाने अबे वाह वेगी जी की वेगी, अबे दुनिया में एड़ी बात अबे थोड़ी हो सके, पर कुछ दिन पहली आप सब लोग जो समाज रा जागृत लोग हो, आपने सब मालूम ही पड़ी, अपन नजदीक में पड़ोसी देश बांग्लादेश, उन बांग्लादेश में कितना हिंदू भाई बहनारो नरसंहार हुयो, वाणे साथे कितो अत्याचार हुयो, और कोई सरकार की नहीं कर सकी। सरकार में जो मुखिया वे तो भागी गया, वे आपरे देश में नहीं बच सके, आपने टेवाने आवनो पड़ियो, सोचो। पर आ चीज हो की कर गई, इनरो एक ही कारण है, समाज रो जो संगठन रो अभाव, समाज में एकजुटता रो अभाव, समाज में सामूहिक बल रो अभाव। यूं तो एक एक आदमी अपने आप में तोप है, यूं तो एक एक आदमी अपने आप में तोप है, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। स्कूल में मैं पढ़ता के तीजी चौथी में जन माने एक किताब में एक कहानी आई, एक बाप रे पांच बेटा, बाप रे मरण नो टाइम नेड़ो आई गयो, बाप के मरता मरता यानी एक शिक्षा तो देन जाऊं। बाप पांचवी बेटा ने बुलायो और पांचवी बेटा ने क्यों एक एक लकड़ी लेना हो, पांचवी बेटा लकड़ियां लेन आया। बाप कहो इन्हें तोड़ो, बेटा के कई को नहीं बाबू जी के तोड़ दो, खट 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 हैंग तोड़ दी। पछ बाप कहो भेर एक एक लकड़ी लाओ, भेर एक एक लकड़ी लाया। बाप उन पांचवी लकड़ियां ने भेड़ी बांधी और कह अब इन्हें तोड़ो, हैंग खपगा पण तोड़ नहीं सकिया। और पछे माणी बहन जी कहती संगठन में शक्ति है, एक रहन में शक्ति है, पण बहन जी भी ऊपर ऊपर पढ़ावती ने मैं ही ऊपर ऊपर पढ़ता। पण आज समझ में आवे भाई, आज रे वर्तमान समय में सब महत्वपूर्ण सूत्र है तो संगठन में ही शक्ति है भाई, है वो जरूरी सूत्र है तो वही सूत्र है। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, आ शास्त्र वचन है। संघे शक्ति कलो युगे, ये शास्त्र वचन है, ये कोई राजनीति का शब्द नहीं है, ये कोई संस्थागत शब्द नहीं है, ये शास्त्र वचन है। शास्त्रों को तो, शास्त्र तो अंतर्यामी है, शास्त्र तो त्रिकालज्ञ है, उनको तो पता है आगे क्या घटना घटनी है, इसलिए उन्होंने पहले ही हम लोगों को सावधान कर दिया कि आप लोगों को बचे रहना है तो संगठित रहना। हाल ही भाई की बिगड़ियो नहीं है, हाल आग शुरू हुई है अपने तक पहुंचे उन पहली भैया, आग लगिया पचे कुओ खोदोला जने घणो मोड़ो हो जाला, आग पहुंचे उन पहली पानी रो बंदोबस्त कर लो, सब संगठित रहो। हैंगु पहली तो घर में भाई भाई एक रहो, घर में भाई भाई एक नहीं हो तो समाज तो कई हो। पहले पहले परिवार में संगठन हो, परिवार का संगठन फिर समाज का संगठन होता है, फिर नगर का संगठन होता है, फिर देश का संगठन होता है भाई। अब कई करा डूंगर बढ़ती दी के पगा बढ़ती नहीं दी के, जो दृश्य आज उन बांग्लादेश में उत्पन्न हुयो, भले उन रो कोई भी कारण वेला कुछ भी वेला, और देखो आप विचार करो, नाम तो हो कि भाई छात्र आंदोलन, नाम तो छात्र आंदोलन, और वो छात्र आंदोलन रो एकदम ही अलग ही रूप हो गयो, कई छात्र आंदोलन तो अपने टे भी वे भाई, पण एड़ा ओ केड़ो एक विचित्र षड्यंत्र। पर अब जो भी हो, पण आपण लोगारे वास्ते एक सावचेत करने वाली घटना है। सबने हाथ जोड़न विनती है भाई, सब बलवान बनो, जितना युवान भाई अटे बैठा है, बहना ने भी मैं विनती करूं भाई, आप रे घर में रैन आप लोग भी जेड़ो बने वेड़ो योग प्राणायाम आसन व्यायाम करो, और नहीं है कि शरीर रो बल हासिल करने अधिकार पुरुष रो भी है, माताओं बहना ने भी है,
बुरो मत मान जो भाई, पहली माताओं बहना घर रे काम में इतनी वे हो जावती कि उनमें माताओं बहना रो व्यायाम हो जाओ तो रोटी बना उनमें दो ही हाथ हिलता और झुकनो पड़तो उनमें व्यायाम हो जाओ तो घटी पी घटी चलाता उनमें व्यायाम हो जाओ तो पानी ले उन्हें जावता आवता उनमें व्यायाम हो जाओ तो अब जिन काम माताओं बहनारो सहज व्यायाम हो जाओ तो वो अब काम बंद हो गया। जने सब माताओं बहनारे शरीर में कमजोरी बनी ओड़ी रहे, इन वास्ते आप भी सुबह टाइम सर उठन योग प्राणायाम ध्यान जो शरीर रे वास्ते शरीर ने बल देने वास्ते आवश्यक है वो आप भी करो। युवान भाइया ने भी मैं विनती करूं, भाई खाली जिम में जावणो ने ए हाथ फुलावना छाती फुलावणी फोटो खेचणी बस इनमें ओ ओ इनो इनो कोई मतलब नहीं है, आ थोती शक्ति है। आ टेम माते की नहीं काम, आ फोटो वास्ते बनायोड़ो शरीर नहीं, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए शरीर मजबूत बनाइए, अपने परिवार की रक्षा के लिए शरीर को मजबूत बनाइए, अपने समाज की रक्षा के लिए बल प्राप्त करिए। खाली व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर इन पर फोटो डालने के लिए शक्ति मत अर्जित करिए। मेरा बल प्राप्त करना मेरी आराधना है, मैं अपने समाज देव की आराधना करूंगा इस बल से। जब कभी मेरे परिवार को रक्षा की आवश्यकता होगी तब मुझे किसी पुलिस प्रशासन की ओर नहीं देखना पड़ेगा, किसी अड़ोसी पड़ोसी की ओर नहीं देखना पड़ेगा, मेरे भुजाओं में इतनी ताकत होनी चाहिए। सिर्फ मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, गुड़ चढ़ाना, चूरमा चढ़ाना, इतने से हनुमान जी की भक्ति नहीं होगी। शिवो भूत्वा शिवम यजेत उपनिषद का वाक्य है, शिव की आराधना तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आराधना करने वाला स्वयं शिव रूप ना हो जाए। हनुमान जी की आराधना तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक आप स्वयं हनुमत रूप ना हो जाए। हनुमत रूप का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में वानर का आवेश आवे, हमारा शरीर वानर जैसा हो जावे। हनुमत आवेश का मतलब है, हनुमत स्वरूप का मतलब है, हनुमान जी में जो गुण थे वो गुण हमारे अंदर आने चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी के सामने जाकर गरज कर कहते, मां प्रभु राम ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है, प्रभु राम की कृपा से मेरी भुजाओं में इतना बल है, पूरी लंका को समुद्र में डुबा के मैं अभी आपको राम जी के पास में ले जा सकता हूं, इतना बल प्रभु राम की कृपा से मेरी भुजाओं में। जो विश्वास हनुमान जी के अंदर था वो विश्वास आज के युवाओं के अंदर होना चाहिए। क्या गजब का विश्वास हनुमान जी में, मां मैं पूरी लंका को अपनी पूंछ में लपेट कर समुद्र में डुबा सकता हूं और आपको अपने कंधे पर बिठाकर प्रभु राम के पास ले जा सकता हूं। ये आत्मा अकेले को, मैं अकेला, मुझे जरूरत नहीं है वानरी सेना की, मुझे आवश्यकता नहीं है किसी की, मैं अकेला, इतनी शक्ति अर्जित करिए युवान भाई कि मैं अकेला मेरे परिवार की रक्षा कर सकता हूं। रात दिन मोबाइल में डूबे रहेंगे परिवार को कब बचाएंगे। मां रोटी खाने को बुलाती है 10 बार आवाज देती तब तक आप मोबाइल छोड़कर नहीं पहुंचते। कल को घर में तकलीफ आएगी कैसे क्या करने वाले हैं आप लोग, जरा सोचिए इस बारे में, गंभीरता से नहीं लेते हैं बात को। मनोरंजन की इतनी सामग्री परोस दी है आप लोगों के तन मन को खराब करने के लिए, इतनी सामग्री परोस दी है कि बस। भारत का आज पत्रकार बंधु आए थे, भारत के युवान भाइयों के विषय में प्रश्न पूछ रहे थे, मैं क्या उत्तर देता, उठने ही नहीं देते भारत के युवान को, तो भारत की युवानी को उठने ही नहीं देते, मोबाइल में घुसी हुई जवानी कहां उठेगी बताओ, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। पढ़ाई कर रहे हैं तो कमाई के लिए पढ़ाई है बस, उसके अलावा और कोई दूसरा मतलब नहीं। ज्ञान किसी के पास नहीं है, जानकारियां हैं, अमुक अभिनेता की कौन सी फिल्म हिट हुई कौन सी फ्लॉप हुई, अमुक देश का प्रधानमंत्री कौन है, अमुक क्रिकेटर को कितने पैसे मिलते, ये सब जानकारियां हैं। जानकारियों के आधार पर नौकरी है, नौकरी में कमाई है, उसके अलावा और कोई क्या करे।
इतना मनोरंजन परोस दिया है मोबाइल में कि भारत का युवान बस और कुछ सोच ही न पा।